एवरीवन, दिस इज प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करने जा रही हूँ और वो जानकारी काफ़ी अहम है, क्योंकि उस जानकारी की वजह से आप ये कहिए कि भारत की सुंदरता और भारत की एक अलग ही पहचान बनी है पूरे विश्व के सामने। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, चार चांद लगाने वाला, आइसिंग ऑन द केक। तो आज ऐसे ही एक चीज़ की इनॉग्रेशन हुई है भारत में। चलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जो कि अहमदाबाद में मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जिसे आप मोटेरा स्टेडियम भी कह सकते हैं या सरदार पटेल स्टेडियम भी कह सकते हैं, जिसकी आज इनॉग्रेशन माननीय हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो स्टेडियम है ये पहले कैसे था और इसमें अब क्या बदलाव किए गए हैं और ये विश्व का सबसे नंबर वन क्रिकेट स्टेडियम क्यों है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य, ये स्टेडियम चर्चा में क्यों है और क्यों ये दुनिया का सबसे क्रिकेट स्टेडियम है। तो बात करते हैं मोटेरा स्टेडियम की, जो दरअसल पहले 1982 में बना था, यानी 1982 में, और जिसको 2015 में गिरा दिया गया था, लेकिन तब से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, दोबारा इसको बनाया जा रहा है और एक अलग ही वे में, और जिसका आज एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने में है। ये स्टेडियम जो है ये 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, तब से इसकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी और कहा गया था कि ये 2020 तक बिल्कुल तैयार होकर बन जाएगा। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी GCA ने इस स्टेडियम की जो योजना थी, जिसने इसको आर्किटेक्ट करा है, जिसने इसको डिज़ाइन बनाया है, ये दी गई थी LNT को, यानी लॉर्सन एंड ट्रूब्रो या फिर MS पॉपुलस, जिसने आपको अगर याद होगा तो जो मेलबर्न का स्टेडियम है जिसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन अब इसके बनने के बाद वो सेकेंड नंबर पर आ चुका है। इसकी जो क्षमता है लगभग, मतलब कितने दर्शक यहाँ रह सकते हैं, तो 1.10 यानी 1,10,000 लोग स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक यहाँ देख सकते हैं, और जबकि मेलबर्न वाला जो स्टेडियम था वहाँ अराउंड 1,00,000 समथिंग था। अब तक कोलकाता का ईडन गार्डन जो कि 67,000 यानी 66,000 की क्षमता के स्थान पर दो नंबर पर था, जिसे अब तीसरे स्थान पर धकेल दिया जाए। अब क्योंकि पहले नंबर पे तो यह आ चुका है सरदार पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम, और दूसरे नंबर पर है मेलबर्न का स्टेडियम, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ईडन गार्डन। इस स्टेडियम का जो स्पेस है वो करीब 63 एकड़ में फैला हुआ है, और जो इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा अलग से कमरे हैं, क्लब हाउस है, क्रिकेटर्स के लिए एकेडमी है, अलग से ड्रेसिंग रूम है, कॉरपोरेट बॉक्स है, स्विमिंग पूल जैसा एक ओलंपिक टाइप का एक लुक दिया गया है, और पार्किंग के हिसाब से कम 3,000 चार पहिया यानी जो 4-व्हीलर्स होते हैं और 10,000 दो पहिया यानी 2-व्हीलर्स को आप पार्किंग दे सकते हैं। जो पहले बना हुआ था मोटेरा स्टेडियम, जो 1987 में यानी 1987 में जब सुनील गावस्कर ने इसी मैदान पर अपना 10,000वां टेस्ट रन बनाया था, तब यह लोकप्रिय हो गया था और सुनील गावस्कर इस मुकाम पर पहुँचने वाले पहले बल्लेबाज थे। इसी दौरान भारतीय दिग्गज दूसरे कपिल देव ने रिचर्ड हेडली के 431 यानी 431 टेस्ट विकेटों के विश्व रिकॉर्ड को भी यहीं तोड़ा था। दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 1999 में इस मैदान पर अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। इस स्टेडियम में एक साथ 60,000 लोगों के बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा रैंप भी बनाया गया है, जिसे सड़क, मेट्रो और पार्किंग एरिया से भी जोड़ा गया, ताकि भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। भारत में क्रिकेट को हमेशा धर्म के रूप में माना जाता है, यही कारण है कि यहाँ टेस्ट मैच की काफी भीड़ आकर्षित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भी करेगा, इसीलिए देश में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण करने समय की आवश्यकता भी है, और मोटेरा में सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम का निर्माण इसी दिशा की ओर एक अच्छा कदम है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में भी तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो डे नाइट टेस्ट होगा और इसी पिच पे होगा। साल 2014 के बाद इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच खेलने जाने वाला है। अब अगर हम इसकी लागत की बात करें, यानी इसके अमाउंट में इसने कितना खर्चा हुआ है ओवरऑल, तो 700 से 800 करोड़ के बीच में इसकी पूरी लागत लगी है। ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां 11 मल्टीपल पिच बनाई गई है, और उनमें से 5 के निर्माण में लाल मिट्टी और बाकी के निर्माण में 6 में काली मिट्टी का इस्तेमाल भी किया गया है, और इसके अलावा मेन ग्राउंड के अलावा इसमें 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं। इसकी खासियत यह है कि बारिश के कारण अब मैच रद्द नहीं होंगे, 30 मिनट में सूख जाएगा ये मैदान, और यहाँ सब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरीके का बनाया गया है कि मात्र 30 मिनट में ही सुखा लिया जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होती है तो भी मैच रद्द नहीं होगा।
और सबसे खासकर बात, इसमें जो लाइट्स यूज़ हुई हैं इसमें फ्लड लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, जबकि एलईडी लाइट्स का यूज़ किया गया है। इसकी जो बाउंड्री है उस पर भी एलईडी का यूज़ किया गया है, जिसमें अब रात के दौरान खासकर खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से गेंद भी दिखाई देगी और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और ये एलईडी इस्तेमाल करने वाला भारत का यह पहला स्टेडियम है, क्योंकि एलईडी से क्या होता है कि आमतौर पर इससे परछाई भी नजर नहीं आती, आपकी शेडो नहीं बनती है। इतनी कुछ जानकारी वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। आमतौर पर ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, जो कि पहले मेलबर्न में था, अब वो भारत का सरदार पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम भी आप उसे कह सकते हैं, वो अब बन चुका है। और अधिक जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।